रूस यूक्रेन जंग अब परमाणु युद्ध में बदलती दिख रही है। बुधवार को रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले के बाद रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का बहुत बड़ा मूव दिखाई दिया है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले के लिए आपको बता दें कि 2 परमाणु वॉरहेड को रूसी एयरबेस पर लाया गया है और जो ये परमाणु एक्टिविटी है ये बढ़ गई। वेस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस की बड़ी सैन्य तैयारी देखने को मिल रही है। रशियन आर्टिलरी ब्रिगेड का एक्शन सामने आया है। रूस के पावर सेंटर पर अटैक हुआ तो मॉस्को में खलबली मच गई। क्रेमलिन में अटैक की जरूरत हुई तो पुतिन की भौहें तन गई। जाहिर है रूस के गुनहगारों को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ना तो हमलावरों को अब पुतिन के क्रोध से कोई बचाने वाला है और ना ही हमलावरों को अब रूस छोड़ने वाला है। रूसी मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन पर अटैक के बाद परमाणु फोर्स को अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया है। परमाणु अटैक की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नेटो देशों की सीमा से लगे पश्चिमी रूस के कई एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया है। दावा है कि रूसी एयरबेस पर 2 परमाणु वॉरहेड को भी लाया गया है। दूसरी तरफ वेस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूसी सेना जंगी मैदान पर भी बड़ी सैन्य तैयारी कर रही है। रूसी सैनिक मोर्चे पर पसीना बहा रहे हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी कर दिखाया कि किस तरह रशियन आर्टिलरी ब्रिगेड बड़े एक्शन की तैयारी में है। वहीं जंगी मैदान में हथियारों की सप्लाई कम ना हो इसके लिए रूस की आर्म्स फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम भी तेज कर दिया गया है। फैक्ट्रियों में हथियारों और उपकरणों के प्रोडक्शन का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है।